हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड इस समय बज चुके हैं सुबह के 8:30 और हम लोगों का ब्रेकफास्ट भी हो चुका है रेडी और भाई भी पहुंच गया है घर और इसी खुशी में बन गए हैं आज आलू के पराठे। ऐसे तो भाई को रोज रोज आ जाना चाहिए यार, रोज कुछ ना कुछ मॉर्निंग में ऐसे ही नई नई डिश मिलते रहेंगे खाने के लिए, कभी पराठे कभी कुछ। जब लास्ट टाइम भाई आया था तो इन लोगों ने पूड़ी बनाई थी और आलू चने की सब्जी बनाई थी और आज तो पराठे ही बन गए। तो देखते हैं आगे दिन में और क्या क्या बनता है भाई की आने की खुशी में। तो फिलहाल हम लोग भी कर लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट। तो फ्रेंड्स इस समय बज चुके हैं सुबह के 11 और आ गया है हमारा ऑर्डर। तो फ्रेंड्स ऑर्डर एकदम परफेक्ट टाइम पर आया है क्योंकि हम लोग सब अभी एक साथ बैठे हुए थे। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग जो कि भाभी कर रहे हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। तो इसमें है शूज़। तो देखते हैं अब इसकी क्वालिटी कैसी है और क्या है। दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, वाइट कलर के शूज़ हैं, एकदम मस्त लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है, थोड़े हिल भी है। तो मम्मी और भाभी मिलकर चेक कर रहे हैं। अच्छे हैं यार। सो फ्रेंड्स, क्या ये चाइना का माल आ गया क्या? फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए थे ये शूज, चाइना का माल। और ये देखो कितना बढ़िया शूज आ रखे हैं, 2 दिन के अंदर ही पहुंच गया फ्लिपकार्ट से। और ये मेरे लिए गिफ्ट है भाई की तरफ से जो कि भाभी ने दिलवाया है। सही लग रहे हैं? तो क्या कहते हैं कि हाइट भी थोड़ी अच्छी लग जाएगी। वो सी ग्रीन टाइप का कलर था। भाई खुद के पैर में पहन करके देख रहा है जो कि उसको मालूम है उसे फिट नहीं आने वाले क्योंकि साइज काफी छोटी है भाई के हिसाब से। तो छोटे आएंगे। अब देखते हैं। नहीं, ये 4 नंबर का शूज है। सो फ्रेंड्स हम लोगों का बिजलू भी उठ गया है और अब बिजलू कर रहा है अपना ब्रेकफास्ट, नमकीन खा रहा है बिजलू। इसके लिए दूध लेकर के आते हैं। गिरा दे हट दे, छोड़ दे तो। काम करना नहीं आता है, कभी किचन में काम किया है? ना। सो भाई, सो फ्रेंड्स 11:30 हो गए हैं और ये पहुंच गए ये लोग किचन में। बना क्या रहे हैं ये लोग? तुम लोग बना क्या रहे हो? भाई जब भी आता है भाई घर पर आकर के पुलाव बनाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑलरेडी काट दिया है टमाटर, प्याज, हरा धनिया रखा हुआ है और यहाँ पर आलू भी काट दिए हैं। सारे मसाले के डिब्बे निकाल कर यहाँ पर रख दिया है। जीरा खत्म होने वाला है, लगभग खत्म ही है और शुरुआत हो चुकी है पुलाव बनाने की। तो आज हम लोग खाएंगे पुलाव। फ्रेंड्स रेडी है बनकर पुलाव, तो आज भाई ने बना दिया है पुलाव। तो जब बन ही चुका है हम लोगों का लंच, तो चलो करते हैं हम लोग भी अपना लंच। लंच में है पुलाव, दही और 2 प्रकार के अचार और बिल्कुल चिल्ड वाटर जिसकी सख्त जरूरत है ऐसी भीषण गर्मी में। सैलेड भी है साथ में। फ्रेंड्स इस समय बज चुके हैं 6:00 और हम लोग हो रखे हैं रेडी बिकॉज अभी हम लोग जा रहे हैं रामनगर। बिजलू भी चला गया है घूमने के लिए और देखो इन लोगों को इतनी जल्दी है कि सबके सब गाड़ी में बैठ गए भाई और भाभी और मम्मी अभी लॉक लगा रहे हैं तो मैं भी चल करके बैठ जाती हूँ फटाफट से गाड़ी में। हम लोग भी पहुंच चुके हैं रामनगर और ये है रामनगर की पार्किंग, तो यहाँ पर हम लोगों ने लगा दी है। हम लोग भी पहुंच चुके हैं मार्केट के अंदर। देखो देखो कौन और सा है। सबसे पहले हम लोग जाएंगे सैमसंग वाली शॉप में क्योंकि हम लोगों को लेना है टीवी का स्टैंड।
सो फ्रेंड्स, इस समय हम लोग हैं प्रभात इलेक्ट्रॉनिक्स पे और यहाँ पर से हम लोगों ने ले लिया है अपनी एलईडी टीवी के लिए वॉल स्टैंड और यहाँ पर सभी कूलर लेने का सीन शॉट बन रहा है, तो देखते हैं क्या डिसाइड होता है। कूलर का प्लान कैंसिल हो गया, भाई लेना चाहता था और भाभी भी हाँ कह रहे थे बट मम्मी ने मना कर दिया, तो अब कूलर फिर कभी देखेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं ऐसे ही घूमते फिरते, क्योंकि हम लोग मेन काम इसी से आ रखे थे जो हमने ले लिया है टीवी स्टैंड। तो ये है रामनगर की मार्केट, अभी हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर हम लोग खाने वाले हैं मोमोज। आज भाभी को हम लोग रामनगर की मार्केट घुमा रहे हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं भाभी रामनगर। हम लोग अपने मोमो का इंतजार कर रहे हैं और ये देखो एक तरफ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, बंदर किस तरीके से तार की मदद से दूसरी छोर पर पहुंच गया। एक बंदर ऑलरेडी ऐसे ही पहुंच चुका है वहाँ पे, दोनों बंदर वहाँ पे, पहले वाला बंदर भी वैसे ही पहुंचा था। मोमो तो अभी आए नहीं लेकिन यहाँ पर जूस आ चुका है, बेल का जूस। सो फ्रेंड्स, रेडी है मोमोज, एक साइड से जूस पी रहे हैं और साथ ही साथ आ चुके हैं मोमोज। सो फ्रेंड्स, मोमोज वगैरह भी हम लोगों ने खा लिए हैं और अब भाई कर रहे हैं यहाँ पर से पेमेंट, उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे का क्या सीन बनता है। अब ये लोग डिसाइड करने वाले हैं कि आगे का क्या प्लान होने वाला है, अब हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि ऐसे घूमने के लिए आ रखे हैं हम लोग, काम तो सिर्फ एक ही था और आते ही हम लोगों ने वो काम कंप्लीट कर लिया था और अब हम लोगों ने यहाँ से मोमोज भी खा लिए हैं और बेल का जूस भी पी लिया है, तो अब कुछ घूमते फिरते चलेंगे। भाभी बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि इतने दिनों बाद आज निकले हम लोग घर से बाहर, इतना टाइम हो गया भाभी को यहाँ। अच्छा, प्लान बन गया मम्मी का, कूलर ले करके चलेंगे वापस, चलते हैं प्रभात इलेक्ट्रॉनिक्स में और वहाँ से कूलर खरीदते हैं। ये देखो सास बहू की जोड़ी बिल्कुल कंधे में हाथ रख कर के चला जा रहा है, जोड़ी नंबर वन हो रही है। तो फ्रेंड्स, फाइनली ये कूलर ले लिया है, तो इसको पैक वगैरह करा जा रहा है ताकि लेकर जाने में इजी रहे, तो फाइनली डिसाइड हो चुका है और हमने इसे फाइनल कर दिया है। ये देखो इस तरीके से ले जाया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, पहुंच गए हम लोग कार पार्किंग पे और यहीं पर ही हम लोगों ने अपनी कार भी पार्क कर रखी है और क्योंकि अब ये कूलर तो जा नहीं सकता है गाड़ी में, इसीलिए ऑटो ही देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर किया जाएगा ऑटो का वेट। आते आते हम लोगों ने सॉक्स ले लिए, तो फ्रेंड्स फाइनली ऑटो कर लिया है हमने और ये ऑटो स्पेशली कूलर के लिए हुआ है, तो अभी कूलर को यहाँ पर अच्छे से रख दे बांध देते हैं ताकि गिरने का डर ना रहे और इसमें जाएंगे भाई और संजना भाभी, दोनों ने डिसाइड किया कि ये लोग ही जाएंगे ऑटो में। बाय बाय फ्रेंड्स, अब हम लोग भी चल रहे हैं घर को और रामनगर में तो मौसम हो चुका है काफी अच्छा, बिल्कुल तूफान वाला मौसम हो चुका है और बादल भी देखो काले काले लग चुके हैं, बारिश होगी रामनगर में तो पूरी तरीके से बारिश का मौसम बन चुका है और अब देखते हैं बेलपड़ाव का मौसम कैसा है। भाई लोग लगता है ज्यादा ही आगे पहुंच गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ से। ये देखो कितना आंधी तूफान आ रखा है कि पूरे पत्ते ही पत्ते रोड पे। ये भाई बहुत आंधी तूफान आ गया इस साइड को, हमको रुका था क्या। और मजे की बात ये है आज हम लोगों ने ऊपर छत के दरवाजे बंद करना भूल गए और
मौसम, इसीलिए जल्दी हो रही है अब जाने की। पूरे रोड में पत्ते ही पत्ते। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से हम लोग चलेंगे ऑटो में। चलो बीच में बैठ जाओ। तो फ्रेंड्स इस समय हो गए 7:40 और हम लोग भी पहुँच गए हैं घर। और मौसम बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रखा है। ये देखो लाइटनिंग्स वगैरह हो रही हैं। और गेबुआ से हम लोग भी भाई लोगों के साथ ऑटो में आए और फाइनली अब पहुँच गए हम लोग घर। और ये है कालू। कालू इंतजार कर रहा था तू। कितनी आंधी तूफान हुई यहाँ? यहाँ तो बहुत आंधी तूफान हो रखा है। चलो मम्मी ने दरवाजा भी खोल दिया, चलते अंदर। लाइट नहीं है शायद से। लाइट है? नहीं है। लाइट भी नहीं है। बताओ जब ऐसे आंधी तूफान होती है तो लाइट भी चली जाती है। तो फिलहाल ले चलते हैं ये कूलर वगैरह अंदर और खुद भी चलते हैं। इस समय बज चुके हैं रात के 9:30 और रेडी हो चुका है हम लोगों का डिनर। और आज हम लोग बहुत ज्यादा लेट कर रहे हैं अपना डिनर। बाकी दिन हम लोग 8:30 तक कर लेते थे बट आज 1 घंटा लेट चल रहा है। बिकॉज आज हम लोग शाम के समय चले गए थे रामनगर और आते आते हम लोगों को लेट हो गया। फिर भाई और भाभी ने बना दिया है मटर पनीर तो वैसे ही लेट हो गया, इसीलिए आज हम लोग लेट कर रहे हैं अपना डिनर। तो फिलहाल हम लोग भी कर लेते हैं अपना डिनर और मैं भी करूंगी अपना आज का व्लॉग नेपरी क्लोज। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे। तो कीप वॉचिंग, मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।